जैसे चेयरमैन हो जाएगा तो के बाद का करवा? नहीं चेयरमैन भाई और बहनों माताओं पिता तुल बुजुर्गों आप लोगों को चरणों में फूल अर्पित करते हुए धन्यवाद देता हूँ। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। अगर शिव चंद्र चेयरमैन हो गए तो घर घर चार चक्का जाने का रोड, हर ग्राम में एक शादी मंडप जैसे पैलेस बनवाया जाएगा, जगह नहीं है तो जगह खरीद के बनवाया जाएगा ताकि आपको आजमगढ़ जाने की जरूरत ना पड़े। और हर गांव की बंजर जमीन जितनी है खेल कूद का मैदान पार्क बना दिया जाएगा ताकि आपको रोडों पर घूमने की जरूरत ना पड़े। बहुत सही, बहुत सही। और हर घर ढाई मंजिला बनाया जाएगा, हर घर ढाई मंजिला बनाया जाएगा और हर घर पे चार चक्का एक खड़ी कर दिया जाएगा। और बेटी बहन के शादी में जिस दिन उनका दिन धरा जाएगा 1,00,000 रुपया नगद उनको पहुंचा दी जाएगी, सरकार दे या ना दे। और जिस दिन मैं चेयरमैन बना उसी दिन 24 घंटे के अंदर में विकलांग पिल्सिन, वृद्धा पिल्सिन, विधवा पिल्सिन, सारी पिल्सिने 24 घंटे के अंदर में बनवा दी जाएगी। उसके बाद दूसरे दिन से ये सब कार्य किया जाएगा। 3 साल के अंदर में ये पूरी विधान ग्राम सभा बना करके सबका एक जैसे बर्जा, सब अंडरग्राउंड नाली, सब जगह पक्का रोड, और आप लोग क्या चाहिए? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। फिर 3 साल बाद जो है इस्तीफा देंगे, उसके बाद देंगे। हाँ, उसके बाद फिर निर्दलीय विधायक ही लड़ेंगे। अगर हम विधायक हो गए तो पूरा क्षेत्र बना देंगे ऐसे ही 3 साल के अंदर में। फिर इस्तीफा, उसके बाद मुख्यमंत्री पद निर्दलीय लड़ेंगे। अगर मुख्यमंत्री हो गए तो 3 साल के अंदर में ऐसे ही पूरा उत्तर प्रदेश बना के 3रे साल इस्तीफा, 4थे साल फिर प्रधानमंत्री पद लड़ेंगे। और प्रधानमंत्री हुए तो अपना नेपाल से पारस पत्थर उठा लिया जाएगा और भारत का जो कहनूर हीरा रानी विक्टोरिया के माथे में वो भी निकाल लिया जाएगा और अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाकर और संन्यास ले लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय।